पेगासस जासूसी मामले को लेकर आज कांग्रेस पार्टी यूपी की राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। पार्टी गुरुवार को लखनऊ में राजभवन तक विरोध मार्च निकालेगी। पेगासस को लेकर कांग्रेस पूरे देश में करेगी प्रदर्शन। हापुड़ में बदमाशों और पुलिस के बीच एनकाउंटर, मुठभेड़ में दो बदमाशों को लगी गोली, दोनों बदमाश अस्पताल में एडमिट। बदमाशों से हुई मुठभेड़ में एक कांस्टेबल को भी गोली लगी है, कांस्टेबल की हालत ठीक है। शामली के कैराना ब्लॉक प्रमुख हर्षल चौधरी और उनके पिता पर 4-5 अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। ब्लॉक प्रमुख पर सहारनपुर जाते वक्त रास्ते में बदमाशों ने गाड़ी रोककर अटैक किया, गाली गलौज की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, घटना की जांच की जा रही है। पेगासस जासूसी मामले पर सीएम योगी का बयान, विपक्ष अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार है और देश की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है, विपक्ष का मंसूबा कभी नहीं पूरा होगा। मेरठ के हसनापुर में एएसआई की टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है। एएसआई पांडव टीले पर मौजूद अमृत कूप को संरक्षित कर रही है और इसके अलावा कई स्थानों को चिन्हित कर साफ सफाई का काम भी करवाया जा रहा है। ईंट और मिट्टी का भी अध्ययन किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बकरीद की बधाई और शुभकामनाएं दी है। सीएम ने अपने घर पर ही नमाज पढ़ने और त्योहार मनाने की लोगों से अपील की है। कानपुर में एक ड्राइवर को कार के बोनट पर बैठाकर तेज रफ्तार में कार चलाने का वीडियो हुआ वायरल। ड्राइवर से विवाद होने के बाद कार सवार ने ड्राइवर को बोनट पर बिठाया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। गोरखपुर में क्षेत्र पंचायतों के गठन के बाद सभी ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने शपथ ली है। ब्लॉक मुख्यालयों पर जिला स्तरीय अधिकारियों ने ब्लॉक प्रमुखों को शपथ दिलाई है, फिर ब्लॉक प्रमुखों ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एक दिन के दौरे पर जाएंगे लखनऊ। लखनऊ के पूर्व सांसद लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। लखनऊ पीजीआई में भर्ती यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मिलने भी राजनाथ जाएंगे। सोनभद्र के जुगैल थाना में ना फोन की सुविधा है ना इंटरनेट की, लोगों को ऑफलाइन ही दर्ज करवानी पड़ रही एफआईआर। 30 किलोमीटर दूर जाकर पुलिस ऑनलाइन दर्ज करती है एफआईआर। जुगैल थाना क्षेत्र की 60 से 70 हजार आबादी। बकरीद के मौके पर सीएम योगी का निर्देश, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगी ने कहा कुर्बानी के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा, किसी भी जगह पर 50 या उससे ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर मुंबई से लाई गई वैक्सीन की खेप, एयर इंडिया के विमान से वैक्सीन के सभी 23 पैकेट को सुरक्षित उतारा गया। सभी वैक्सीन को वाराणसी की मेडिकल टीम को सौंप दिया गया है। चित्रकूट में लोगों को नहीं मिल रही है वैक्सीन। वैक्सीन लगवाने के लिए लोग वैक्सीन सेंटर का चक्कर लगा रहे हैं। वैक्सीन न मिलने से लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने रोजाना 5,000 वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा है। प्रदेश में कोरोना के मामलों में तेजी से आ रही है कमी। 100 से ऊपर केस वाले जिलों में सिर्फ कुशीनगर में एक्टिव केसों की संख्या सिर्फ 104 बची है। राजधानी लखनऊ में कोरोना के मामलों में तेजी के साथ गिरावट। 24 घंटे में आए सिर्फ 6 मामले। अब जिले में एक्टिव केसेस की संख्या सिर्फ 97। गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला, कहा किसान आंदोलन के कारण देश में मध्यावधि चुनाव की संभावना। धरना स्थल पर राकेश टिकैत और किसानों के बीच बैठकर उनका सुख दुख साझा किया। अयोध्या के तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने जानकी घाट बड़ा स्थान के पीठाधीश्वर पर लगाया आरोप। गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर कहा पीठाधीश्वर जंजय राम मंदिर की आड़ में साध रहे हैं अपना हित। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में आजम खान से मुलाकात करके उनका हालचाल जाना। मुलाकात करने के बाद अखिलेश ने कहा आजम खान का अच्छा इलाज चल रहा है, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में एडमिट है आजम खान। IIT BHU के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के एक छात्र ने मल्टीप्लेयर योग गेम प्ले प्लेटफॉर्म तैयार किया। इस योग प्लेटफॉर्म पर ऑडियो वीडियो माध्यम से अलग अलग योगासन के बारे में लोगों को जानकारी मिल पाएगी। महाराष्ट्र से प्रयागराज आने वाली ट्रेनों में बरती जा रही भयंकर लापरवाही, कोरोना के नियमों का कोई पालन हो नहीं रहा। ट्रेन में यात्री फेस मास्क तक नहीं लगा रहे, स्टेशन पर भी यात्रियों की कोई जाँच नहीं हो रही। यूपी के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने 4 ई बसेस को लखनऊ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
ट्रायल के तौर पर ये ई बसेस लखनऊ के 10 रूट्स पर 3-3 दिन के अंतराल पर चलेंगी और आम लोग एक महीने बाद इन बसों से सफर कर सकेंगे। अयोध्या में बीएसपी करेगी ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन। विधानसभा चुनाव से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने किया है ब्राह्मण सम्मेलन करने का ऐलान। सतीश मिश्रा को दी गई है बड़ी जिम्मेदारी। अंबेडकर नगर में वैक्सीन लगाने के लिए आ रही लोगों की भारी भीड़। रोजाना का निर्धारित टारगेट 4,600, एक दिन में 7,717 लोगों को टीका लगाया गया। लोगों ने टीका केंद्र बढ़ाने की मांग की। गोरखपुर में मूसलाधार बारिश होने के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत, लेकिन बारिश के बाद मुसीबत बढ़ गई है। बारिश होने से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी हुई है। लखनऊ में बेरोजगार छात्रों ने बीजेपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। शिक्षक भर्ती आरक्षण में घोटाले का आरोप लगाया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को घसीट घसीट कर गाड़ी में बिठाया। हाथापाई में एक महिला अभ्यर्थी का हाथ फ्रैक्चर हो गया। मथुरा वृंदावन में देव शयनी एकादशी के मौके पर मंदिरों में कार्यक्रम हुए हैं। प्राचीन केशव देव मंदिर को भव्य फूलों से सजाया गया। बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। काशी स्टेशन होगा इंटर मॉडल स्टेशन। स्टेशन पर इंटर और इंट्रा बस स्टेशन की सुविधा होगी। बनारस की सबसे बड़ी परियोजना होगी IMS के 40 एकड़ में बनेगी 3,000 करोड़ की परियोजना। स्टेशन पर ही 5-स्टार होटल के साथ अर्बन हॉट और सभी यात्री सुविधाएं होंगी। अमरोहा में पहली बारिश में निर्माणाधीन स्टेडियम की दीवार गिर गई। मालीखेड़ा के जंगल में चल रहा था जिले के पहले स्टेडियम का निर्माण कार्य। अंतिम दौर में था स्टेडियम बनाने का काम। दीवार गिरने से काम पर सवाल उठ गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ध्वनि प्रदूषण पर खुद संज्ञान ले लिया। हाईकोर्ट ने कहा वाहनों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती से रोक लगे। यूपी के प्रमुख सचिव और DGP से रिपोर्ट भी तलब की। अयोध्या केस में पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने बकरीद के मौके पर लोगों से कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। अंसारी ने कहा कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। 12,000 अमेरिकन को चूना लगाने वाले का साथी गिरफ्तार हुआ। कानपुर में बैठकर अमेरिका का मोबाइल कर लेता था हैक। दिल्ली से कानपुर आते ही क्राइम ब्रांच ने जसराज सिंह को अरेस्ट कर लिया। आगरा में प्रशासन ने बनाया सेल्फी पॉइंट। सेल्फी पॉइंट पर लोगों की जमकर भीड़ इकट्ठा हो रही है। आगरा के फतेहाबाद रोड पर बना है सेल्फी पॉइंट। बकरीद और दूसरे त्योहारों को देखते हुए अलीगढ़ में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस और RPF के जवानों ने पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में आज होगी भारी बारिश। कल भी यूपी में कई जगहों पर हुई थी झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने 22 जुलाई को लखनऊ के लिए येलो अलर्ट जारी किया। कानपुर के मंदिर में चोरी करते समय एक चोर पकड़ा गया। चोर को पकड़ने के बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। सुल्तानपुर के करौंदी कला ब्लॉक प्रमुख अपनी कुर्सी पर बजरंग बली को बिठाएंगे। ब्लॉक प्रमुख का कहना है कि हनुमान जी पूरे 5 साल तक प्रमुख की कुर्सी पर विराजेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।